स्टैट इज अटेंशन स्टैट इज अटेंशन। देखिए कुछ बच्चों के अटेंशन पोजीशन गलत है, देखिए जैसे इनकी गलत है तो दोनों पैर मिलाए हुए हैं, ये अटेंशन पोजीशन गलत है। 45 डिग्री एंगल करिए, बीच में एडिया मिलाइए, जैसे इनकी सही है ना। स्टैटिस में क्या करना होता है, स्टैटिस में आपको अपना उल्टा पैर बाहर लाना होता है। बहुत से लोग गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं थोड़ा। स्टैटिस में आपको उल्टा पैर बाहर लाना होता है, सीधा पैर बहुत से लोग ले आते हैं, वो गलत हो जाता है। और स्टैटिस एक्चुअल में होता है स्टैंड एट ईज, क्या होता है, जिसके मीन्स होता है आराम से खड़े हो। स्टैंड माने खड़े हो, एट एक पोजीशन के लिए यूज हो गया, प्रीपोजिशन है। ईज माने आराम से खड़े हो, स्टैंड एट ईज, उसको जल्दी से क्या पढ़ते हैं, स्टैटिस। बहुत से लोगों से आप पूछेंगे तो बता ही नहीं पाएंगे, स्टैटिस वो स्टैटिस ही कह देंगे। कुछ लोग स्टैटिनाइज कह देंगे, स्टैनिटाइज कह देंगे, सैनिटाइज भी कह देंगे, है ना। तो स्टैटिस होता है स्टैंड एट ईज, आराम से खड़े हो, क्लियर है। उसका करते कैसे, उल्टा पैर बाहर आएगा, लेफ्ट पैर आपका, ठीक है, इधर से हम देख रहे हैं तो आप मेरा राइट आपका लेफ्ट है, आपका लेफ्ट मेरा राइट है ना, तो लेफ्ट पैर आपका बाहर आएगा, सबको पता होता है उसका उल्टा पैर कौन सा है, सीधा पैर बाहर नहीं करना होता है, क्लियर हो गई बात। और स्टैटिस का मतलब समझ में आ गया, हाथ पीछे जाएगा, पीछे जाके उसको बांध लेंगे पीछे से, दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे, ठीक है, सीधे हाथ से उल्टा हाथ पकड़ेंगे उल्टा हाथ से सीधा हाथ पकड़ेंगे, ये आप कमेंट करके जाके बताइएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। मेन बात आपको याद रखनी है कि अटेंशन पोजीशन में फिर से खड़े हुई है, अटेंशन आपके पैरों के बीच का जो एंगल होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, एड़ी से एड़ी मिला होना चाहिए, मिली होना चाहिए, और आगे के पैर बराबर होना चाहिए। और यही एक ऐसा मौका होता है जिसमें इंसान सीना निकाल सकता है, चेस्ट, लेकिन गर्ल्स हैं तो इसमें नहीं है, बॉयज़ में खास करके चेस्ट आगे होता है, शोल्डर पीछे जाते हैं, है ना, किस तरह से बता दें इसको, बको किस तरह से, देखिए पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एड़ी से एड़ी मिलानी है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपको अपना हाथ यू करना है और अंगूठा अंदर नहीं होना चाहिए, अंगूठा हम आपका ऐसे होगा बाहर, और जब आप अपना हाथ यू रखेंगे तो ये अंगूठा आपका स्ट्रेट नीचे जाना चाहिए, अंगूठे का डायरेक्शन देखिए, ठीक है, और आपका जो शोल्डर है ये पीछे जाएगा, यू शोल्डर दोनों पीछे जाएंगे, क्लियर है। देखिए पहले पैर आपने देखे यू, फिर आपने हाथ पर ध्यान दिया यूं, फिर आपने हाथ को यूं चिपकाना है, पूरा यूं चिपका होना चाहिए, ठीक है, फिर आपका शोल्डर दोनों पीछे जाएंगे, सीना बाहर आएगा, और सर आपका यूं नहीं होना है, एकदम पीछे से पैरेलल है, एकदम स्ट्रेट ये, ठीक है, तब जाके आप पूरे अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हैं। इसमें भी कुछ कमियां होंगी, आर्मी मैन वगैरह होते हैं वो ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, क्लियर हो गई बात। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, yes, इसकी प्रैक्टिस करना है, yes, और पीटी जो हम लोग करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल माने आरामदायक, फिजिकल यानी कि बॉडी से रिलेटेड, जो फिजिक है आपकी बॉडी है उसकी ट्रेनिंग है ना, ठीक है, बॉडीली आप ट्रेंड हो जाएं, बॉडी आपकी सही रहे, ठीक है, इसके लिए होता है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। बाकी जो जो आपने सीखा आज जाकर कमेंट करके सही कमेंट करके बताइएगा कि ये सीखा है, ठीक है, थैंक यू।